हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम काश, और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में बैलेंस ऐड करते हो और आप बैलेंस ऐड कर रहे थे, आपके बैलेंस बैंक से कट गए हैं, आप पेटीएम से ऐड कर रहे थे, यूपीआई आईडी से ऐड, मतलब कहीं से भी ऐड कर रहे थे, लेकिन आपके पैसे उस वॉलेट से कट जाते हैं, लेकिन आपके ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में ऐड नहीं होते हैं, ऐड मनी वहां पे नहीं हुए होते, तो आप हो जाते हैं परेशान कि आपको मैसेजेस भी आ गया कि आपके 100% ये बैलेंस कट चुके हैं, माइनस हो चुके हैं, और आपके उस एप्लीकेशन में बैलेंस बिल्कुल से ऐड नहीं हुए हैं। तो आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं डाल दिया, जहां तक वो पैसे कहीं और चले गए हों। 100% अपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में सक्सेसफुल मनी जो कि ऐड किया है अपने गलत अकाउंट, जो कि नहीं कहीं भेजा है। तो अब आप क्या करोगे अगर आपके ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में बैलेंस ऐड नहीं होते हैं? पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से 1.5 से 2 साल पहले, जिसमें मैंने यही टॉपिक आपको बताई थी कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में अगर बैलेंस कटते हैं तो वो आपके 14 दिन के अंदर जो कि वापिस से आपके रिकवर आ जाते हैं, मतलब आपके पैसे कट गए थे बैंक से लेकिन आपके ऐप में ऐड नहीं हुए थे, आपको 7 दिन या 14 दिन के अंदर वो पैसे वापिस से जो कि रिटर्न कर दिया जाते हैं। और ये बात सच भी है दोस्तों, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन, ड्रीम इलेवन की नहीं, आप किसी भी एप्लीकेशन की बात करें, रिचार्ज करने जाए और अगर आपको रिचार्ज या पेमेंट अगर कैंसिल हो जाए, पेंडिंग में चला जाए या सर्वर की वजह से वो पेंडिंग में रहे, तो वो बैलेंस आपको वापस कर दिए जाते हैं। उस टाइम के लिए आपके पैसे कट तो जाते हैं, बट वो आपके पैसे मिल जाते हैं। ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन की बात करें तो जिस टाइम मैंने वो पहली वीडियो आपको बना के दी थी, तो उस समय ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में हेल्पिंग वाला कोई भी ऑप्शन नहीं था कि जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां से ले सको। लेकिन अब ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में ये चीजें ऐड हो चुकी हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ऐड मनी की, आपके पैसे ऐड नहीं हुए हैं, तो अगर आप इसका जल्द से जल्द उपाय चाहते हो तो आपको ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से 100% मिल सकता है। वो सब कुछ आपको मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन उसके पहले वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो हमारे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं जो कि आपके काम आती रहती हैं। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे और बता देता हूँ कि कैसे आप अपने बैलेंस कट चुके हैं बैंक अकाउंट से और आपके ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुए, उन्हें कैसे वापस ले सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। जैसे कि हमने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को सक्सेसफुल ओपन कर लिया है, अब ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ऊपर आपको ये जो 3 बार का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक कर लेना। अब इसमें क्लिक करने के बाद फिर आपको करना क्या है गाइस, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं, हेल्प सपोर्ट का, ठीक है। तो हेल्प सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं, ये आपको टाइटल यहीं से देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपका समस्या है कि आईकॉन, ये जो ऑप्शन मिलता है आप इसमें डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से चैट वीडियोज का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक करिएगा, और इसमें क्लिक करने के बाद डायरेक्टली इनका चैट वाला ऑप्शन निकल के आ जाएगा, जिससे कि आपकी जो भी समस्या है ना ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से जो भी समस्या जुड़ी हुई है, आप यहाँ पे उनको बता सकते हैं, और फिर यहाँ से इनके जो हेल्प सेंटर होता है गाइस, वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने बैलेंस सच में ऐड किए थे और आपके इस ऐप में नहीं आए, तो उसका भी जुगाड़ यहाँ से, उसका भी सोल्यूशन आपके यहाँ से दे देंगे। तो अगर आपकी जो समस्या आती है, आप यहाँ पे इनको डायरेक्टली चैट करके बता सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपका यहाँ से सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। तो बस अगर आपके बैलेंस कटे हुए थे तो ये आपको ट्रिक अप्लाई करना, आपकी जो भी समस्या है आप यहाँ से इनको चैट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का ये सोल्यूशन कुछ ही मिनटों के अंदर कर देंगे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो की। अगर आपको जानना था कि कैसे आपके ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में ऐड मनी करते और आपके बैलेंस वो ऐड नहीं होते, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।